नेता की जाति या रखने वाले कहने रिवर्स इमिग्रेशन शुरू हो गई या छे महीने काम मतलब तो बाद मुंडा के ना इंडिया जा के फैक्ट्री में काम मिल गया वा सही है करण इतना तैयार हो गए हूं तो फैक्ट्री में काम करेगा Hey guys, welcome back to another video. आप फिर से स्वागत है. हम चले इंडिया. तो ये इंडिया से पहली वीडियो है. फाइनली दो साल बाद घर वालों को सरप्राइज देने इंडिया चलते हैं. लेट्स गो. फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए लेने करण को. ठीक है, ध्यान रखियो अपना ब्रो. चल ओके, गुट्टी को मेरा दुआ सलाम. अपना ध्यान रखियो, आराम से जाइयो और वगैरह करती हो. ठीक है, ठीक है ब्रो, मिलते हैं भाई. ओके, मिल दे दिल्ली वाले हो. जल्द मिलते हैं. ओके, तो फाइनली ड्यूटी फ्री एरिया में भी आ गए हैं भाई. इतना परेशान ना कभी, मतलब मेरे को तो नहीं किया बट एक इंडियन को पकड़ लिया था और उसको तो बहुत परेशान किया. अभी ड्यूटी फ्री एरिया में चलते हैं, यहाँ से बैठते हैं. फ्लाइट एक घंटा डिले है एंड स्वाद नहीं आया कि एयरपोर्ट में, मज़ा नहीं आया. मतलब इंडियन एयरपोर्ट में इतना ऐसे घूमा नहीं हूँ बट यहाँ का एयरपोर्ट ऐसा जितना मज़ा नहीं आया. यू कैन सी. तो बाकी देखते हैं, घर आ जाके बात करेंगे, बैठ के बात करते हैं. अभी फ्लाइट एक घंटा डिले है, आगे कितनी होती है वो नहीं पता. तो अच्छी ला भाई मेरे वीरो, मुंडिया ने फ्लाइट चढ़ ली है. चढ़ी नहीं अभी, कहते पैसिफिक का गेट है भाई, ये देख रहे हो अलग ही. और एयर इंडिया का आ गया है, हमारा 66 गेट है. फ्लाइट डिले है, देखते हैं बाकी. अलग ही लेवल एक्साइटमेंट है. फाइनली घर जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं 1.5 महीने के लिए. घर वालों को नहीं पता मैं आ रहा हूँ. मैंने एक एग्जैक्ट रफ डेट बताई थी 2 तारीख, तो उनको सच में नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ. लेट्स सी कि उनका रिएक्शन कैसे होगा भाई. बस मेरा लोल ना हो जाए कि मम्मी और पापा या बहन अगर घूमने चले जाए एंड कसम से फिर मैं क्या करूँगा, लोग ढूंढता फिरूँगा घर का. तो लेट्स सी क्या होता है एंड चलते हैं. अभी थोड़ी नर्वसनेस है मेरे को, थोड़ा हाइट फोबिया है तो थोड़ा डर. स्टार्टिंग में मेरे को डर लगा था, पिछली बार भी लगा था, कोई बात नहीं. पर चलते हैं अभी. फाइनली अपना जहाज आ चुका है जिसमें हम जाने वाले हैं. भाई 1.5 घंटा लेट था ये, और खाली बड़ा एयरपोर्ट है, तो कुछ खास है नहीं. बस बोर्डिंग शुरू होने वाले कुछ टाइम बाद. और बल्लू कैनेडा की जेल से फरार 1.5 महीने बाद. तो 1.5 महीने के लिए ये थोड़ा स्ट्रेस भरी ज़िंदगी से हम शांति भरी ज़िंदगी के अंदर जाएंगे एंड आई होप कि 1.5 महीना अच्छे जी के हूँ लाइफ में. और घर वालों में, घर में किसी को नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ सच में. तो देखते हैं क्या होने वाला है, वो हाउ दे विल रिएक्ट. भाई एयर इंडिया मत लेना कभी भी, जब भी इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हो इंडिया से कनाडा या कनाडा से इंडिया जा रहे हो. भाई इतनी गंदी सर्विस. पहले 10 बजे की फ़्लाइट थी, ठीक है, पहले 10 बजे की फ़्लाइट थी, इसको डिले करके 11 कर दिया. अब 11 बजे गए हैं तो ये नहीं पता कि अब कितने बजे फ़्लाइट चलेगी. सच बताऊँ तो कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है. बहुत दिमाग ख़राब रहा खड़े, क्योंकि अब सीट्स भी नहीं है, लोग आके बैठ गए हैं यार. तो कितने देर इंसान बैठ भी जाएगा. कोई अपडेट नहीं है भाई, कोई अपडेट नहीं है फ़्लाइट का कि कितने बजे चलेगी ना. ये लोग कुछ बता रहे हैं तो नेवर टेक एयर इंडिया. मैं लोगों की वीडियो देखता था कि पत्नी सबके साथ नहीं होता होगा बट मेरे साथ भी यही हुआ. मेरे को ये डर था एयर इंडिया में लेने के बाद. बाकी देखते हैं चलो क्या होता है आगे. तो फाइनली हमने फ्लाइट बोर्ड कर ली है, चल रहे हैं बोर्डिंग करने. भाई साहब प्लेन तो काफ़ी बड़ा है. ये अपनी फ्लाइट, ठीक है, बेटे को फूआ नहीं है, जब होगा तो दिखा देंगे बट दिस इज़ अ फ्लाइट. भाई अभी बज रहे हैं, क्या नाम है, 11 बज रहे हैं, मेरे हिसाब से लेट उड़ेगी. ठीक है, कोई अपडेट होगा तो मैं दूंगा आप लोगों को. और इंडिया की जर्नी कंटिन्यू है यहाँ से. भाई एक तो ना इस फ्लाइट में हेडफोन्स नहीं है, मिले ही नहीं है. बट कंप्लेंट नहीं कर सकते, अपनी एयरलाइन से, अपनी कंट्री की एयरलाइन से हमें बेटर बनाना है. ये
कि अभी जूस मिला है पीने के लिए, खाने के लिए नमकीन मिली थी एंड ऐसा कुछ माहौल है बाहर का भी, ट्रिप का बाकी सेटिस्फाइड तो नहीं हो मैं। फाइनली खाना आ गया है, अभी इसके अंदर पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा। वेजिटेबल मील है, वो ब्रेड है, वो सलाद है, ये पता नहीं क्या है, शायद घी है एंड वो ये बटर दिया इन लोगों ने एंड पानी की बोतल एंड कटलरीज। फाइनली मेरे को एयरपोर्ट से मिल गया, मैंने इनसे मांग लिए थे। अभी वी आर फ्लाइंग ओवर यूएसए, सो आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। हम अभी ऑलरेडी वैसे भी लेट ही चल रहे हैं, दिल्ली में रात के 1:30 बज रहे हैं, यू कैन सी एंड खाना खाते हैं एंड आप लोगों को बताते हैं कि टेस्ट कैसा था। मेरा पहला जो एक्सपीरियंस है एयर इंडिया का, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, सो देखते हैं। बाकी अभी तक तो ठीक है, आगे का पता नहीं एंड खाना खा के बात करते हैं। भाई फ्लाइट में बैंगन, मैं तो खोल के भी नहीं देखा था, मैं कैसे खाऊँ। कुछ और मांगते हैं इन लोगों से, सो मैं तो एनर्जेटिक हूँ भाई, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ। क्या दे दिया भाई, इससे थोड़ा पेट भरेगा। काट रहा है वो टिकटे, शुरू कर दिया बोलने जो बोल रहे हैं ऐसे के, शुरू कर दिया क्या होता है कि शुरू कर दिया। तेरे बाप ने व्लॉग शुरू कर दिया है, बनी हुई हो गई। वीडियो बना लो। ओए हाय भाई, उसको बनाओ, लैंडस्केप में बनाओ, लैंडस्केप में। वेलकम भाई, बस वेलकम भाई, हम आरती करेंगे, आरती करेंगे, आरती 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 करेंगे, वो दोनों ही बजेगी। मैंने उस पे कैमो मत ग्रुप पे हाँ अरे मेरे पे कोई नहीं है, सेम नहीं है ना, मैं कोई बंदा नहीं कर सकता था। ठीक है तो जय कृषि। हाँ जय गिरिजी, गॉड ब्लेस यू, जय गिरिजी। नाखून मार दिया।